आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में मंगलवार की रात सिंध नदी पर बना तकरीबन 100 साल पुराना पुल अचानक से ढह गया है। हादसे के वक्त पुल पर खड़े 3 ग्रामीण पानी में बह गए, जिनमें से 2 ने तैरकर अपनी जान बचा ली है तो वहीं एक व्यक्ति लापता बताया गया है। घटना रात तकरीबन 8 बजे की है, जहां गनीमत रहे कि हादसे के वक्त पुल के ऊपर से कोई ऐसा वाहन नहीं गुजर रहा था। इधर पुल का एक हिस्सा टूटने से जिले के सैकड़ों गांवों से संपर्क टूट गया है। बताया गया कि इस पुल से जिले के रन्नौद खतौर के अलावा अशोकनगर ईशागढ़ के लिए हर रोज हजारों वाहन गुजरते थे। हालांकि जिस वक्त पुल गिरने का यह हादसा हुआ उस वक्त कोई वाहन पुल पर नहीं था। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हादसे के वक्त पुल पर 3 ग्रामीण मौजूद थे जो पानी में गिर गए, लेकिन पानी का बहाव कम होने के कारण 2 ग्रामीण तैरकर बाहर आ गए जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। इलाके में हुए इस हादसे के बाद से पुल के दोनों ओर पुलिस को तैनात कर दिया गया है ताकि कोई भी पुल के नज़दीक ना जा सके। आसपास के इलाकों का भी पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है।